नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बनी हुई है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने इस वीडियो में तीन नई वैकेंसी या जो न्यूज़ हैं या बिग न्यूज़ बोल सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल्स वो मिस ना हो। आप PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। पहली जो वैकेंसी निकली है वो NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा निकली हुई है। ये वोकन इंटरव्यू के आधार पर होगी और इसका जो वोकन इंटरव्यू होने वाला है वो वोकन इंटरव्यू होगा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन सेकेंड फ्लोर अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के अंदर। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 9:30 से 11:30 बजे तक रहेगा। 11:30 के बाद आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म की, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको पूर्ण रूप से फिलअप कर लीजिए। और जिस दिन इंटरव्यू में सम्मिलित होने जाते हैं उसमें आपको वो फॉर्म फिलअप करके साथ के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा के आपको वहाँ पर देनी है। इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 11 अप्रैल 2023 को रहेगी। पोस्टों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेडिकल ऑफिसर की दो पोस्टें हैं। एज अब 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 60,000 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगा और ये 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसको। क्वालिफिकेशन की बात की तो MBBS, BMS, BDS डिग्री कर रखी है आपने, मेडिकल के अंदर हो या आयुष के अंदर हो, डेंटल काउंसिल में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। प्रोजेक्ट SRF फूड एंड न्यूट्रिशन की टोटल 5 पोस्ट हैं। एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 44,450 रुपये पर मंथ पेमेंट रहेगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, होम साइंस के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि MSc डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर पोस्टों की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट SRF की पोस्ट हैं अलग से। सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के अंदर 3 पोस्ट हैं। एज है वही सेम रहने वाले, 35 से कम होनी चाहिए। पेमेंट भी सेम रहेगी, 6 मंथ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है सभी का। इसके लिए यदि आपने ग्रेजुएशन करके एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, सोशल वर्क के अंदर और 2 साल का एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास MA, MSW, MSc डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट SR टेक्निकल असिस्टेंट की 4 पोस्ट हैं। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 32,000 रुपये पर मंथ पेमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सेम रहेगा। और इसने यदि आपने ग्रेजुएशन करके साइंस स्ट्रीम से और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पोस्ट हैं जिनका इंटरव्यू होगा 12 अप्रैल को। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट हैं, 4 पोस्टें हैं। एज देख सकते हैं ये सेम रहने वाली है। पेमेंट 31,000 रुपये। इसके लिए आपने 2 साल का जो DMLT का कोर्स होता है या फिर 1 साल का DMLT का कोर्स और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है या फिर BSc नर्सिंग करके या MLT करके तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फील्ड वर्कर की 8 पोस्टें हैं। एज अब 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18,000 रुपये पर मंथ पेमेंट रहेगी। 12वीं पास करके साइंस स्ट्रीम से और 2 साल का डिप्लोमा है DMLT या BMLT के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट MTS की भी पोस्ट हैं, 4 पोस्टें हैं। एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15,800 रुपये पर मंथ पेमेंट है। 12वीं पास इसके लिए होनी चाहिए। अन्य टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से या इसकी PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इसकी ऑफिशियल साइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट्स की लिंक भी इस PDF में दे रखी है। अब चलते हैं दूसरी अपनी न्यूज़ पे। ये दूसरी न्यूज़ है, दूसरी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये जारी हुई है। इसमें देख सकते हैं जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी होने वाली थी उसकी डेट आ गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 1,539 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 5/4/2023 से लेकर 4/5/2023 तक निर्धारित की गई है। यानी इसकी जो फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है। उसके बाद देखें तो उससे संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की जो वेबसाइट है www.pariksha.nic.in या www.btsc.bih.nic.in पर
दिनांक 5/4/2000 से देखा जा सकता है। तो ये इसकी फार्मासिस्ट की डेट आ चुकी है और इसकी जो भी ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल में, हम आपको वीडियो बनाकर पूरे डिटेल उपलब्ध करवा देंगे। अब चलते हैं तीसरी अपनी न्यूज़ पे। तीसरी न्यूज़ ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा पहले जो वैकेंसी निकली थी कृष्णा नगर के लिए, और ये 17 मार्च को निकली थी, उसमें कुछ डेट है वो ऐड की गई है, देख सकते हैं, जिसमें स्टाफ नर्स थैलेसीमिया की 2 पोस्टें ऐड की गई हैं, जिसकी एज जो क्राइटेरिया वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एज की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2023 को आधार मान के की जाएगी। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है कोई भी इंस्टीट्यूट से, और उनका जो साथ में वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए थैलेसीमिया पेशेंट्स के साथ कार्य करने का, और 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है। तो इस प्रकार ये काफ़ी बढ़िया 3 यहाँ पर जानकारी है, आप इनको देखिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये तीनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।